गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब लो एडमिशन 2024 को लेकर अब तक क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि फ़र्स्ट काउंसलिंग के बाद कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स बच गई हैं और सेकेंड काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके गूगल में जाके सर्च करना है GNDU एडमिशन। जैसे आप सर्च करोगे उसके बाद जो फर्स्ट साइट आपकी स्क्रीन पे ओपन होगी जहाँ GNDU एडमिशन लिखा वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन वैसे पेज खुल जाएगा। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना, स्क्रॉल करना है। थर्ड लाइन येलो कलर में जहाँ लिखा है पंजाब लो एडमिशन सेशन 2024-2025 उसके नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो उस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइनल पंजाब लो एडमिशन सेशन 2024-2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। स्टार्टिंग में ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दी गई है। अगर आपको कोई डाउट तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है। जहाँ पर होम लिखा है उसके राइट हैंड साइड थ्री लाइन्स है वहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वैकेंट सीट लो 5 ईयर कोर्स आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग। तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जितनी भी पेंडिंग सीट्स हैं उनका अगर आपने पता करना है कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कितनी है तो इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ऐसे पेज खुल जाएगा। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना, स्क्रॉल करना है। तो सबसे पहले आपने देख लेना है जो आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है वो किस से एफिलेटेड है। तो सबसे पहले ऑप्शन सिलेक्ट पर आपने क्लिक करना है। तो हम आपको GNDU यूनिवर्सिटी अमृतसर कैंपस की ही सीट्स बता देते हैं कितनी पेंडिंग है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। तो हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट कॉलेज में भी हम GNDU यूनिवर्सिटी अमृतसर मेन कैंपस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि टोटल कितनी सीट्स हैं। तो BA LLB 5 ईयर कोर्स में टोटल 65 सीट्स हैं। पंजाब के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें जर्नल 29, SC 10, BC OBC 5, उसके बाद एक्स सर्विसमैन जर्नल 7, SC 3, BC 2, FF 1, PWD 2, उसके बाद 15% सीट्स अदर स्टेट के लिए रिजर्व हैं जिसमें से 8 सीट्स जर्नल की बची हुई हैं। SC ST 2, BC OBC 1, टोटल 11 सीट्स हैं अदर स्टेट्स के लिए। ओवरऑल 65 सीट्स बची हुई हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का। उसके बाद यहाँ से हम बैक चलते हैं, होम पे चलते हैं और जो नोटिफिकेशन आया है फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद वो ये आया है कि सुना देते हैं। तो सबसे पहले नोटिस में आपको बताया गया है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग कम्प्लीट हो गई है और जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में फ़र्स्ट चॉइस का कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी मिला था अगर वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बस उनको शिफ्टिंग फीस देनी पड़ेगी एज़ पर प्रोस्पेक्टस एंड शेड्यूल, जो कि आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सारा को डिटेल में पढ़ सकते हो। और बाकी जिनको दूसरी चॉइस के यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज मिले थे उनको कोई भी शिफ्टिंग फ़ीस नहीं देनी है, वो डायरेक्ट फ्रेश चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड काउंसलिंग में। उसके बाद जो मैनुअल काउंसलिंग होगी 5 ईयर कोर्सेज की सेकेंड काउंसलिंग फॉर स्पोर्ट्स कैटेगरी वो होगी 26/7/2024 को। रिपोर्टिंग टाइम 10:30 AM to 11:30 AM इन दी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स नियर हॉकी स्टेडियम GNDU यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो मैनुअल काउंसलिंग होगी स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों की, तो वो पहुंच जाएं, शेड्यूल आपको बता दिया हमने। बाकी सभी स्टूडेंट्स फ्रेश ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे जिसका शेड्यूल जो है सेकेंड काउंसलिंग का वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपने यहाँ पर ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। तो पंजाब लो एडमिशन 2024 से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।